द काउंटी हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था है, कैसे बच्चे और बड़ों को तमाम तरह के इलाज मुहैया हो सकेंगे, कैसे चिकित्सक की सलाह लोगों के काम आ सकती है, कैसे किसी गरीब को निःशुल्क इलाज इस अस्पताल के द्वारा दिया जा सकेगा, इस तरह के कई सवालों का जवाब दिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने। उनसे बात की हमारे विशेष संवाददाता देवेंद्र पटेल ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं होशंगाबाद रोड के विद्यानगर एरिया में और यहां पर अभी वर्तमान में द काउंटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। कहा जाता है कि एक मल्टी स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में तमाम तरीके की वो सुविधाएं हैं जो एक बड़े अस्पताल में होती हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर शरद सिंघई जी हैं। शरद जी, आज बहुत बड़ी सौगात आपने शहरवासियों को दे दी। हाँ, हमारे तरफ से ये एक प्रयास है। हम चार डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर अंकुर हैं, आइए। हाँ, डॉक्टर अंकुर सिंह ही हैं, डॉक्टर आरिफ अली खान हैं और डॉक्टर आदित्य पाठक हैं। हम चारों लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया है, तो आप देखिए प्लीज़, आपको अच्छा लगेगा। यही वजह है कि इसका नाम आपने काउंटी रखा है, सभी के एक साथ काउंटी हॉस्पिटल है और काउंटी बेसिकली स्टेट को बोलते हैं। तो हमने कुछ चाहा है कि कुछ यूनिक सा एक अपने स्टेट में एक ऐसा अस्पताल रहे। इन हाउस हम लोग चार स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल और पेशेंट को फोकस में रखते हुए हमने पूरा अपना हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया है। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने पूरा फोकस हमारा पेशेंट के केयर में रखा हुआ है। हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर आदित्य पाठक जी भी हैं। सर, एक जैसा कि मेरा अभी पहले ही सवाल था कि शहरवासियों को बड़ी सौगात आपने दे दी है, किस किस तरह की सुविधाएं इस अस्पताल में रहेंगी? एक्चुअली ये हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमारे पास सारे डॉक्टर्स बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं और मेनली डॉक्टर आरिफ ये लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। आई थिंक भोपाल में कुछ ही लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। अभी तो हम एज अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा प्लान है कि हम इसको एज अ लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर में कन्वर्ट करें। डॉक्टर शरद है हमारे साथ, शायद इन्होंने आपको बताया नहीं होगा, आप यूके रिटर्न हैं, इनकी होल ट्रेनिंग यूके से हुई है। तो ये डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर शरद, ये दोनों ही हमारे हॉस्पिटल की USP हैं। बेसिकली भोपाल में बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऐसे हाईली क्वालिफाइड एंड अपग्रेडेड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी इनकी सर्जरीज हैं एक्सपर्टाइज्ड हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सर्जरी होंगी यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने इस हॉस्पिटल को फुली इक्विप्ड किया लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है। मोस्टली हॉस्पिटल्स में समटाइम्स रिफर्बिश्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं, हमने यहाँ पे कोई भी रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया है बिकॉज ऑफ पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि एक बहुत ही मेजर कंसर्न होता है कि हम हॉस्पिटल तो हम चालू करते हैं लेकिन हम पेशेंट की सेफ्टी को सेकेंडरी कर देते हैं। जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं कि कोई भी सेकेंड हैंड इक्विपमेंट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो उस चीज़ को हमने अपनी कैपेसिटी से ऊपर बढ़ के हमने उस पर फोकस किया कि नहीं, हमें हर चीज़ नई और ब्रांडेड कंपनीज का ही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो यही हमारी USP है। एट द सेम टाइम हमने कोशिश की है कि हॉस्पिटल में जब आए पेशेंट्स तो उनको एज अ हॉस्पिटलाइजेशन जैसा फील ना आए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलेगा साथ में उन्हें हम होमली फीलिंग देंगे। इसी हिसाब से हमने जितने भी हमारे रूम्स हैं, जो भी हमारा OT है, ICU है, तो हमने कोशिश की है जो हमने अपने लेवल पर कर सके कि हम उसको जैसे हमारे घर के कमरे होते हैं, हमारा हाउस होता है, वैसी फीलिंग आए, एग्जॉस्ट ना हो पेशेंट। बिल्कुल घर जैसी फीलिंग मरीज को आएगी तो बहुत अच्छी बात। सर, एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि अन्य अस्पताल की अपेक्षा कुछ पैसों की अगर मैं बात करूं तो उसको लेके कुछ एक निर्धन तबका अगर आता है अस्पताल में, उसको लेके कुछ ऐसे आपने विचार किया सभी ने मिलकर? मैं मीडिया के सामने हूं, ये हमारा कमिटमेंट है कि पैसे के कारण कोई भी पेशेंट यहां से बिना ट्रीटमेंट के नहीं जाएगा, चाहे वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो हमारा प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, बिना पैसे के पेशेंट ट्रीटमेंट के नहीं जाएगा, ऐसा कि उसको पैसा नहीं है और वो दे नहीं पा रहा और उसको यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिला, ये हॉस्पिटल में कभी नहीं होगा। जैसे भी शासकीय जो व्यवस्थाएं हैं जैसे आयुष्मान की हैं वो तमाम मिलेंगी पेशेंट को। और इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर आरिफ जी भी हमारे साथ हैं। आरिफ जी, बहुत तारीफ़ कर दी डॉक्टर साहब ने आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब साथी हैं, साथी पड़े हैं एंड काफ़ी टाइम मैं दिल्ली में रहा हूँ, लीवर ट्रांसप्लांट में काम किया है
और भोपाल से ही हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि ट्रेनिंग ले के मैं वापस आऊँ और अपना कुछ करूँ और अपनी जगह अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूँ। और जैसे डॉक्टर आदित्य ने बोला कि हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा और होना भी चाहिए कि हम क्वालिटी सर्विस अपने लोगों को प्रदान कर सकें। और ऐसा कभी नहीं होगा कि पैसों के अभाव में या कोई पे नहीं कर सकता है तो उसका इलाज के लिए हम डिनाई करें। हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि जो आ रहा है हम उसका सही इलाज करें और अच्छे से ठीक करके उसको भेजें। काफ़ी अच्छी सोच है सभी की। हमें एक बार, हमारे साथ डॉक्टर अंकुर जी भी हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं आप, जैसा कि मेरे को जानकारी है। फिर बच्चों किस तरह की सुविधाएँ इस होशंगाबाद रोड पर मिलने वाली हैं? बच्चों के लिए अब यहाँ पे NICU और गहन इकाई यूनिट है, PICU और OPD है, और इंटेंसिविस्ट हैं हमारे पास डॉक्टर रूमा खंडेलवाल, ये पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, और भी अन्य डॉक्टर जो सब स्पेशलिटी पीडियाट्रिक्स के रहेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारा यही है, सभी बातें डॉक्टर साहब ने बता दी गई है, बाकी यही है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों का एक ऑनेस्ट एथिकल ट्रीटमेंट रहे, क्वालिटी मेंटेन करते हुए, बस ये रहेगा, बस ऑनेस्टी हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि वी शुड वॉक द टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब न्यूरोसर्जन डॉक्टर संदीप जी भी हैं, सर सभी ने सब कुछ बता दिया है, अब आपकी तरफ से कुछ बचाओ आपके अस्पताल को लेकर मैं जानना चाहूँगा। देखिए, न्यूरोसर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट भी चाहिए और साथ में काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि केसेस बहुत है और हॉस्पिटल्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट। तो हमारा यही है कि हम जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको हम आयुष्मान योजना से भी ऑपरेट करेंगे, और इमरजेंसी हमारा जो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट टीम है वो भी बहुत अच्छी है, तो हम उनको ऑपरेट करके जो केयर देनी होगी वो काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही जो पेरिफेरी के पेशेंट है गांव-गांव के, जैसे हम लोग क्लिप्स भी करते हैं, वीकली विजिट करता हूं मैं, तो वहां पे काफ़ी पेशेंट परेशान होते हैं जो गाइड ही नहीं हो पाते थे एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या चाहिए, लोगों को उसके लेके बहुत डर है, ब्रेन सर्जरी स्पाइन सर्जरी से, और उसके कारण काफ़ी मॉर्टेलिटी बढ़ती है। तो उसी के लिए हमारा वो है एफर्ट्स कि हम वहाँ से पेशेंट को गाइड करें और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। अधिकतर हॉस्पिटल का मैंने देखा है कि फ्री कैंप लगा के भी सेवाएँ देते हैं, ये एक ऐसे एरिया में आपने हॉस्पिटल की शुरुआत करी है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र भी लगे हुए हैं काफ़ी, ऐसा कुछ कैंप के आगे योजना है आपकी? हमने ये हॉस्पिटल चालू करने से पहले ही कैंप चालू कर दिया है। मैं ऑलरेडी नसुल्लागंज होशंगाबाद और इटारसी जाता हूँ, वहाँ पे पेशेंट देखता हूँ वीकली विजिट पे, तो वो ऑलरेडी हमने चालू कर दिए हैं और आगे भी हम इसको और बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी डॉक्टर्स का हमसे बात करने के लिए। बाकायदा डॉक्टर की सूची भी मेरे पास है, आते जा रहे हैं। डॉक्टर दिव्या जी हैं आप, क्या कुछ सेवाएं आप अपनी तरफ से हॉस्पिटल में देंगे? जी, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। काउंटी हॉस्पिटल के द्वारा हम ये कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि एक ही छत के नीचे 18 साल से 80 साल तक की सभी महिलाओं का ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाए, और जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी से संबंधित जटिलताएं हैं, हाई रिस्क डिलीवरी कहते हैं जिसको, उसकी सुविधा हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बाद में जो बच्चों का हाई रिस्क केयर होता है, जो पीडियाट्रिक ICU कहलाता है, उसके लिए हमारे पास में डॉक्टर रूमा हैं, और समस्त सोनोग्राफी की व्यवस्था के लिए हमारे पास में डॉक्टर मलिका हैं। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल फोर्स इस हॉस्पिटल के थ्रू फीमेल पेशेंट्स के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी देखा जाता है कि कोविड चल रहा है, महिला एक दहशत का माहौल रहता है भीड़ भाड़ से बचने के लिए, उनको एक संदेश आपकी तरफ? किस तरह की भीड़ भाड़? कोविड चल रहा है, भीड़ भाड़ बाजार में जाने से बचती हैं, कई महिलाएं लापरवाही भी करती हैं, मास्क नहीं लगाती हैं, एक आप स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक संदेश आपकी तरफ से उनके? तो महिलाओं को, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोविड संबंधी जो भी प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें, और अपना खास ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करवा लें अपना कोविड का, जिससे कि काफ़ी उनको सुरक्षा मिल सकती है। ये एहतियात बरतेंगे तो बिल्कुल कोविड से कोई चिंता वाली बात नहीं है। डॉक्टर मलिका जी, आपकी तरफ से कुछ संदेश महिलाओं को? बिल्कुल, हमारी ये जो टीम है काउंटी की, हमने पूरी कोशिश की है कि पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी और हाइजीन को लेके हमने पूरा ध्यान रखा है हर चीज़ का, और यहाँ पे आपको पूरी तरह से ऑनेस्ट और इथिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। देखा जाए तो ये होशंगाबाद रोड का विद्यानगर एरिया है, ठीक बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के सामने ये हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। यहाँ पर आज इसकी शुरुआत हुई है, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि आगे भी सभी तरह की सुविधाएं यहां पर पेशेंट्स को मिलेंगी। खास बात यह है कि कोई भी अगर इस हॉस्पिटल में आता है, अगर वो गरीब है और जिसके पास पूंजी की कमी है, उसके लिए भी इलाज मुफ्त दिया जाएगा। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ देवेंद्र पटेल, साधना न्यूज़।